मौजूद है लखनऊ के सहकारिता भवन में, जहां पर बहुजन समाज दल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। क्या उद्देश्य है आगे लोकसभा चुनाव भी आ रहे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो आप लोग के आज कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बहुजन दल कर रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, आज बहुजन समाज दल ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, समझौता किया है, तो हमने गरीब समाज के, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनकी समस्याओं को लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन किया है। उनकी समस्याएं सरकार निपटाएगी, उनकी समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज दल के हर जिले में, हर मंडल में, पूरे प्रदेश में पदाधिकारी काम कर रहे हैं, और जो प्रत्याशी लोकसभा में 24 की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो होंगे, बहुजन समाज दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको जिताने का काम करेंगे। इस बार मोदी जी 400 से पार जाएंगे और पूरे बहुमत की सरकार में मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलेगा। समस्याओं की बात करी है आपने कि बहुजन समाज दल की जो समस्याएं हैं, समस्याओं की बात करी है आपने कि जो समस्याएं होंगी उसको हम रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो किस तरह की समस्याओं की बात करी है आपने? अच्छा, देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार से जो समस्याएं जनता की है, वो मकान की है, पेंशन है, और शौचालयों की है, विकास की है, और रोजगार की है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हमने अपने ऑफिस पे, कार्यालय पे एक मीटिंग बैठाई। मीटिंग बैठा करके हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि हम आपकी जो भी समस्या है सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार आपकी समस्या निपटाने का काम करेगी। इस तरह से देखा जाए, लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो मायावती जी ने तो कहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपका जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बहन मायावती जी की सरकारों में पार्क बनने का काम किया, लेकिन गरीब जनता का विकास नहीं हुआ। अगर इस गरीब जनता का विकास हो गया होता तो ये आज गरीब जनता परेशान नहीं होती। इनकी समस्याओं को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे समर्थन में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 80 के 80 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीत करके आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा। आपके इस बार 400 से पार मोदी जी पूरे बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएंगे। देखिए, बहुजन समाज दल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन किया गया है, बहुजन समाज दल चाहता है कि गरीब लोगों को आवास मिले, मकान मिले, पेंशन मिले, और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं वो गरीब लोगों तक पहुंचें, इसलिए बहुजन समाज दल ने आज पैदल मार्च के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। कितना फ़ायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को आपके जो समर्थन आप दे रहे हैं? देखिए, हम सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में, हम ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दलित आबादी 22% है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। जो आदरणीय आज मोदी जी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, ये नारा साकार होगा। और मैं समझता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज दल के नेताओं को मंच पर अपने शामिल करने का प्लान बनाया, यदि सहमति बनी, तो जो तमाम लोग आज इंडिया गठबंधन में अपने आप के लिए जीत मान करके चल रहे हैं, जिसमें मैं एक नाम बार बार लेता हूं, चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति का, या अन्य कोई जो अपने आप को दलित हितैषी समझते हैं, हम उनको मुँह की खिला देंगे, और हम उनकी जमानत जब्त करा देंगे। और हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम चंद्रशेखर आजाद को लाशों पर राजनीति नहीं करने देंगे। चंद्रशेखर आजाद दलितों की हत्या करवा रहा है, चंद्रशेखर आजाद दलितों को मरवाने का काम कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद उपद्रव फैलाने का काम कर रहा है। आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी के किसी से भी आप लोगों की कोई वार्ता हुई है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से 2022 में समर्थन दिया गया माननीय डॉक्टर वाजपेयी साहब के लिए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी, अभी
अभी अभी जो वार्ता हमारी रहती है, जो संगठन ने समर्थन दिया है, उसमें परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दया शंकर जी के माध्यम से समर्थन दिया गया है। और मैं समझता हूँ आदरणीय दया शंकर सिंह जी काफ़ी समय देते हैं, लोगों से मिलते हैं, और लोग सबसे अच्छा हमें उनके अंदर ये लगा कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ जनता आई हुई है, वो कह रहे हैं यहाँ पे मकान मिलेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो मकानों की जो समस्या है, उस समस्या को ही हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोग फॉर्म भरे बता रहे, दो-दो साल। देखिए, बहुजन समाज दल 2010 से लगातार काम कर रहा है, 2010 से लगातार काम कर रहा है, और आज जिन लोगों के नाम जो झोंपड़पट्टी में रह रहे हैं, पिन्नी में रह रहे हैं, या जिनके घर नहीं हैं, उनके नामों को सूची बना करके सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि परिवहन मंत्री जी के माध्यम से हम लोग जो है काम निपटवाएं, क्योंकि वो सभी की सुनते हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इसीलिए जो है हम उनसे लोगों की समस्या निपटवाने का काम कर रहे हैं। समाज दल लोकसभा की कौन सी सीटों पर दावेदारी पेश करेगी बीजेपी के सामने? देखिए, बहुजन समाज दल ने निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है बहुजन समाज दल के द्वारा कि हमें सीट दीजिए या हमें कहीं और कुछ करिए। हमने साफ कहा है, आपकी जो इच्छा है वो करिए, लेकिन सबसे पहले जनता के आप काम निपटवाइए। जी, माननीय परिवहन मंत्री जी से, माननीय श्री दयाशंकर जी से इस विषय पर हमारी कई बार वार्तालाप हुई है, और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि जनता की जो समस्याएं हैं वो लगातार निपटा भी रहे हैं। आज वर्तमान सरकार में उन्होंने पहले भी समस्या नहीं, बहुजन समाज दल का विलय जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो क्या बात बनी है कि अभी बात कहीं अधूरी रह गई? देखिए, बात कहीं अधूरी नहीं है, और बहुजन समाज दल ने केवल समर्थन किया है, विलय नहीं किया है। बहुजन समाज दल अपने आप में दलित समाज में अपना एक मजबूत संगठन है, और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार काम कर रहा है। 2022 में भी हमने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया, और 2024 में भी लोकसभा चुनावों में सहयोग करने का काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि जनता की समस्याओं को आसानी से हम लोग सरकार के माध्यम से। देखिए, बहन मायावती जी के माध्यम से, बहन मायावती जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक तीन बार की सरकार रही तो वो दलितों को थोड़ा देखती थी, लेकिन जब चौथी बार की सरकार बनी 2007 में, तब वहाँ पर पूरी सरकार को श्री सतीचंद मिश्रा जी देखते थे, और दलितों के वहाँ पर कोई लाभ नहीं हो पाए। इसीलिए बहुजन समाज दल से आज तमाम दलित समाज जुड़ने का काम कर रहा है। लगातार दलित समाज पूरे उत्तर प्रदेश में जुड़ रहा है, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दलितों के समस्याओं का समाधान करवा पाएं। आज भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे, वो बता रहे हैं कि ये हमारा फॉर्म भरा है कि 200 रुपए लिए गए और उसके बाद यहाँ मकान मिलेगा लोगों को। देखिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमने आपसे अभी कहा था मंच के माध्यम से, हमारी पार्टी ने निस्वार्थ भाव से समर्थन भाजपा को किया है। हम लोग कहीं भी कार्यक्रम करते हैं, ये सभी लोग, हमारे चंदा से कार्यक्रम होता है, हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव, हम ये नहीं करते हैं कि सीट के लिए लालच में रहें, या हम लोग ये नहीं करते हैं कि किसी के सामने जाकर हाथ फैला दें और किसी से कह दें 1 करोड़ रुपया दीजिए, हम आपको समर्थन कर रहे हैं। वो लोग जो नाक रगड़ने का काम करते हैं, जो सीट मांगने का काम करते हैं, या जो पैसा लेने का काम करते हैं, वो बड़ी बड़ी बसों में काम करते हैं, वो कारों में अपना कार्यक्रम करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को किसी को पूरी आलू कुछ नहीं मिलता है, हमारे कार्यकर्ता अपना पानी लेकर के आए हैं, और जो तमाम चंदा किया गया है कार्यकर्ताओं से, उसी से ये कार्यक्रम सफल बनाने का कार्यक्रम किया गया। सब आपने कार्यकर्ता है। हाँ जी, वोट बैंक बैलेंस सब दीजिए, लेकिन अगर बहुजन समाज दल बीजेपी के साथ जाता है तो मायावती को कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा, और तमाम बहुजन समाज दल के माध्यम से, ये मैं बताना चाहता हूँ कि तमाम दलित समाज यहाँ पर लगातार जुड़ रहा है और लगातार काम कर रहा है, तो दलित समाज से चुनावों में ही इस समस्या का मामला समझ में आए। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियाँ अपनी तैयारियों में तो लग गई, इसके साथ में सभी पार्टियाँ एक दूसरे का समर्थन कर रही। इसी कड़ी में हम मौजूद सरकार भवन में, जहाँ पर बहुजन समाज दल ने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का यानी समर्थन किया है आगामी चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुद्दे होंगे, जो समस्याएं हैं बहुजन समाज दल की, उसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी से सहयोग चाहते हैं। और उनका मुद्दा यह है कि गरीबों को मकान मेन मिले, इसके साथ में जो है गरीबों की जो समस्याएँ हैं बहुजन समाज दल की, तो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है कि वो समस्याओं का उनका निवारण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मम तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ।
देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।